25 दिसंबर 2021 को मनावर थाने के नजदीक बालीपुर क्षेत्र में दंपति के साथ सनसनीखेज लूट और महिला से छेड़छाड़ की घटना सहित दो अन्य लूट मारपीट की घटना के संदिग्ध आरोपियों को मनावर पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ाए आरोपियों से लूटा गया सामान, मंगलसूत्र, रुपए, कागज और चोरी की मोटरसाइकिल, जिनकी कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पूरी घटना की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि दिनांक 25 दिसंबर को रात में 3 अज्ञात आरोपियों द्वारा मनावर के गुलाटी बालीपुर नहर रोड पर एक दंपत्ति के साथ मारपीट कर महिला से छेड़छाड़ कर गले से सोने का मंगलसूत्र व आदमी के जेब से रखे हुए रुपए व कागज लूट लिए। उसी रोड पर उक्त तीनों आरोपियों ने एक साइकिल से जा रहे व्यक्ति के साथ लूटपाट कर उसका मोबाइल में रुपए कागज लूट लिए थे। ग्राम पुलिस के अनुसार आरोपी शिवा और उसका साथी पूर्व में भी चौकी बाकानेर क्षेत्र से मोबाइल चोरी के अपराध में फरार था, जिस पर 3,000 का इनाम भी घोषित था। पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। और उसके हस्बैंड के साथ मोटरसाइकिल पे दोनों जा रहे थे, उनको लूट में जो है फिर महिला के साथ अभद्रता की गई, जिसमें महिला जो है गंभीर रूप से घायल भी हुई। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा था, उसको इन्होंने लूटने का प्रयास किया, लूटा इनफैक्ट, और उसके साथ मारपीट की। फिर ये आगे जाके दो लड़के इनको क्रॉस हुए, वहाँ पर भी इन लोगों का झगड़ा हुआ और उन्होंने वहाँ भी झगड़ा करके, क्योंकि जिनसे झगड़ा हुआ वो लोग भी इन पे थोड़ा हावी हो गए, तो वहाँ से ये मारपीट करके भाग गए थे। पता की थी और जिस प्रकार से की थी वो मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर लगातार 3 घटनाएं करना, ये इन इटसेल्फ जो है एक बड़ा जो है बड़ी एक जिसे बोलते हैं कि एक मैग्नीट्यूड जो है इस पूरी घटना का बढ़ जाता है। इसमें हमारी जो टीम है, जिसमें हमारे एडिशनल SP, हमारी क्राइम टीम, हमारे SDOP मनावर और TI मनावर और उनकी जो टीम है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, और हमारा सब लोगों ने रात को ही उसी रात से ये उसमें लग गए, और जिसमें हमारे SDOP और TI मनावर और जीराबाग चौकी प्रभारी, इन सब लोगों ने लगातार वर्क करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने तीनों जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया है, और उनसे जो मशरूका है, चोरी की मोटरसाइकिल है, वो इनसे बरामद हुई है। उसके अलावा जो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची, क्योंकि 8:30 बजे घटना है, रात को पुलिस को सूचना 11 बजे के थोड़ा लेट मिली। पच्चीस दिसंबर को एक थाना मनावर में 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 लूट की घटनाएं और 1 मारपीट की घटना हुई थी। और पहली जो लूट की घटना हुई थी उसमें एक महिला के साथ अभद्रता भी की गई थी, जिस पर पुलिस ने 376 की FIR रजिस्टर की थी। और इस पूरे प्रकरण में हमारी टीम, जिसमें हमारे एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार, SDOP धीरज बब्बर, TI ब्रजेश मालवीय, और उनके साथ हमारे जीराबाद चौकी प्रभारी गुलाब भेड़िया और क्राइम की टीम ने इसमें लगातार वर्क किया, और पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से एक नाबालिग है और 2 आरोपी अनिल और शिवा पुलिस की हिरासत में हैं। इनसे चोरी की 1 मोटरसाइकिल R15 और इन तीनों घटनाओं में जो सामान गया था वो पुलिस ने रिकवर किया है। सर, इस महिलाओं के साथ जाती भी की थी? एक घटना में महिला के साथ जाती हुई थी, और उसमें भी पुलिस ने 376 और अन्य जो लूट की धाराएं हैं उनका इजाफा किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।